लखीमपुर खीरी, पूरे देश के नेता लखीमपुर खीरी में पहुंचे। छत्तीसगढ़ जो खुद पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त है, वहां पर नेट नहीं चल रहा, वहां की जनता त्रस्त है, वहां के मुख्यमंत्री जी कहां पर पहुंचते हैं? लखीमपुर खीरी। वो पंजाब जहां की सरकार अस्थिर है, वहां पर कौन पहुंचते हैं? 1000 गाड़ियां लेकर के, बड़ा काफिला लेकर के चन्नी जी जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। राहुल गांधी वहां पर हैं, प्रियंका गांधी वहां पर हैं, अन्य तमाम दलों के बड़े नेता वहां पर हैं। तमाम जितने भी नेता हैं वो हमारे किसान भाइयों की और जो अन्य 5 लोग वहां पर मरे उनकी लाशों पर, उनकी चिताओं पर अपने राजनीतिक रोटियां सेकने पहुंच गए, लेकिन एक भी आंसू किसी का अगर छलका हो श्रीनगर की घटना पर, जहां पर एक विद्यालय के अंदर जाकर के आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं। जब उन्होंने अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाए तो जो हिंदू टीचर्स थी उनको मार दिया गया, सबके सामने उनका कत्ल कर दिया गया, वहां पर कोई रोने नहीं पहुंचा। तब अंतर मन उद्वेलित होता है और पंक्तियां आप लोगों तक पहुंचाता हूं कि पूरे देश से आए मदारी बंदरबाट तमाशों पर, कि पूरे देश से आए मदारी बंदरबाट तमाशों पर, छत्तीसगढ़ पंजाब के नाचे यहां बराती ताशों पर, कि छत्तीसगढ़ पंजाब के नाचे यहां बराती ताशों पर, चुन चुन कर के चुन चुन हिंदू मार रहे थे शांति दूत विद्यालय में, कि चुन चुन हिंदू मार रहे थे शांति दूत विद्यालय में, कोई आंसू नहीं नयन में श्रीनगर की लाशों पर, कि कोई आंसू नहीं नयन में श्रीनगर की लाशों पर, कोई आंसू नहीं नयन में श्रीनगर की लाशों पर, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर जाएंगे या वहां के लिए आंसू बहाएंगे तो वोट बैंक कम होगा, यहां पर अगर आएंगे अपनी रोटियां सेकेंगे तो आने वाले चुनावों में हो सकता है कि 4 वोटें उनको उनकी मिल जाएं, जो कि इस उम्मीद में बैठे हैं कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश जल जाए, वहां पर कोई ना कोई किसी तरीके का विवाद हो जाए। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं आप लोगों तक, अंतर मन की एक बात कहना चाहता हूं। विद्यालय में जाकर के आइडेंटिटी कार्ड आप देखते हैं और हमारे जो भी वहां पर हिंदू शिक्षक हैं आप उनको मार देते हैं, और जो भी हमारे बड़े पर्व होते हैं, बड़े त्योहार होते हैं, अगर हम किसी से केवल आइडेंटिटी कार्ड मांग लें, किसी व्यापारी से, किसी बेचने वाले सब्जी बेचने वालों से, किसी फल वालों से, तो हमारे ऊपर आपत्ति है। मैं इस आपत्ति का विरोध दर्ज करना चाहता हूं। हमें नहीं चाहिए थूक लगी हुई सब्जियां, हमें नहीं चाहिए थूक लगी हुई रोटियां। मैं पंक्ति देता हूं, अगर आप लोगों के मन में भी इस प्रकार के भाव हो तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो हर एक मोबाइल पर होना चाहिए और प्रण पूरा का पूरा हिंदुस्तान का ये समाज ले कि हम किसी भी प्रकार से उन लोगों से कुछ नहीं खरीदेंगे जो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। हमारे पर्व आ रहे हैं, मैं उन पर्वों की सौगंध खा करके कहलवाना चाहता हूं आपसे कि अपने मन के अंदर के हिंदुस्तानी को जीवित रखना। पंक्तियां पढ़ता हूं कि आतंकवाद का मजहब है, कि आतंकवाद का मजहब है, यह मानने को तैयार नहीं। कोई नहीं मानता हिंदुस्तान में कि आतंकवादी का कोई मजहब होता है, जबकि पूरा विश्व जानता है कि आतंकवाद का चेहरा किस मजहब से मिलता है। मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि आतंकवाद का मजहब है यह मानने को तैयार नहीं, आतंकवाद का मजहब है यह मानने को तैयार नहीं, ऐसा भी कोई बतला दो हो जिसके मन में खार नहीं, कि ऐसा भी कोई बतला दो हो जिसके मन में खार नहीं। वो नाम पूछकर सीने में बारूद हमारे भरदे पर, कि वो नाम पूछकर सीने में बारूद हमारे भरदे पर, हम सब्जी बेचने वालों को भी जाने ये अधिकार नहीं, कि हम सब्जी बेचने वालों को भी जाने ये अधिकार नहीं, हम सब्जी बेचने वालों को भी जाने ये अधिकार नहीं। नहीं साहब, ये अधिकार है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग हमें थूक लगी हुई सब्जियां बेचते हैं, जो उन पर पेशाब करके हमें बेचते हैं, हमें वो स्वीकार नहीं है। जो हमारे यहां की बारातों में आकर के, हमारे यहां की पार्टीज में आकर के हमारे लिए खाना बनाते हैं और हमारी रोटियों में, हमारी नान में थूक दे डाल करके हम तक पहुंचाते हैं, हमें खिलाते हैं, हमें वो लोग स्वीकार नहीं है। आप आइडेंटिटी कार्ड देख करके हमें मारिए और हम आपको बताएंगे कि अब हिंदुस्तान में किस प्रकार से रहना होगा। ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान ये प्रण ले कि अब कुछ भी हो जाए हमें वो लोग स्वीकार नहीं जिनको हिंदुस्तान मन से स्वीकार नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।